क्लास 9th ई, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1, आकृति में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। और दिखाइए कि ए बी समांतर सी डी हैं। दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं ए बी सी और डी, इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। एंगल्स दिए हुए हैं 30 डिग्री, एक्स वाई 130 डिग्री। इसकी सहायता से एक्स और वाई के मान ज्ञात करने और दिखाना है ए और बी और सी और डी दोनों समांतर हैं। सॉल्यूशन 50 + x = 180। चूँकि रैखिक युग्म है, एक्स बराबर 180 माइनस 50 = 130। एक्स का मान जो आ गया वो 130 अंश आ गया और वाई = 130 अंश। क्यों है ये? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण वाई का मान भी 130 आ गया। अतः एक्स बराबर वाई बराबर 130 अंश। यहाँ एकांतर कोणों का एक युग्म बराबर है, अतः ए बी समांतर सी डी है। प्रूव्ड। 2, आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ और वाई अनुपात जेड बराबर 3:7 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। फिगर हमारा दिया हुआ है, 3 लाइन है, तीनों समांतर हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है इसको। ए बी सी डी और ई एफ एंगल्स दिए हुए हैं एक्स वाई और जेड। वाई और जेड का अनुपात दिया हुआ है, एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। सॉल्यूशन दिया है
वाई अनुपात जेड बराबर 3:7। माना वाई बराबर 3K और जेड बराबर 7K। वाई बराबर एंगल 1 बराबर 3K शीर्षाभिमुख कोण। पुनः दिया है CD समांतर EF, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180°। अंतः कोण संपूरक होते हैं। ये इसका कारण हो गया 3K प्लस 7K बराबर 180°, 10K बराबर 180°, K बराबर 180° बटे 10, तो इसलिए K बराबर 18। अतः जेड बराबर 7K 7 × 18 इजिकल टू 126°। दिया है AB समांतर CD और CD समांतर EF, इसलिए AB समांतर CD X बराबर Z बराबर 126। क्यों है ये? एकांतर कोण है। एकांतर कोण की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गई। आंसर।